गाइस वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विंटर में आप अपनी स्किन का केयर कैसे करें। विंटर में हमारी स्किन कुछ ज्यादा ड्राई हो जाती है और डल। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ ऐसा फेस पैक को शेयर करूंगी जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे। लेट्स चेक आउट कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छा फेस मास्क है और इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बेसन लेंगे 3 टी स्पून। बेसन आपके फेस पे ग्लो ऐड कर देगा। अब हम लोग हल्दी पाउडर लेंगे 1 स्पून। अब हम लोग नींबू का रस लेंगे 2 से 4 बूंद, ज़्यादा नहीं। ये आपके टैन को रिमूव करने में मदद करेगा और साथ ही साथ ग्लो लाएगा आपकी स्किन पे। अब हम लोग हनी लेंगे जो कि एक एंटीसेप्टिक है और साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल भी है। अब हम लोग रोज़ वाटर लेंगे जो कि फेस को ग्लोइंग बनाने में बहुत मदद करेगा, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को पिंकिश लुक भी देगा। हमारा फेस पैक अब रेडी हो चुका है तो अब हम लोग इसको अपने स्किन पर लगाएंगे। मैंने अपने फेस पर अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है। ये फेस मास्क आप लोग गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ये आपकी स्किन को रिहाइड्रेट करने में बहुत हेल्पफुल हो। टैन को भी रिमूव करने में ये मास्क बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पर ये फेस पैक को लगा लिया है। अब हम इस फेस पैक को अपने फेस पर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं तो अब हम इस फेस पैक को अपने फेस से वॉश कर देंगे। मैंने अपने फेस से फेस मास्क को हटा दिया है वॉश करके और अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी अच्छी बन गई है और सॉफ्ट बन गई है। ये फेस पैक आप वीक में 2 टाइम्स इस्तेमाल करना, और अगर आपके फेस पे पिंपल और एक्न हो जाते हैं तो आप इसे वीक्स में 3 बार करना। और जब और आप देख सकते हैं कि मेरे भी फेस पर आपको कहीं कहीं दिख रहा होगा, ये मेरे 2 दिन पहले हुआ था और अब देखो ये कम हो चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।